नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों केरल के मलमपुरा से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों यकीन नहीं होता कि गाँव के तरफ खाना ढूंढने गई एक गर्भवती हथनी को लोगों ने किस तरीके से बेरहमी से उसे मार दिया। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से हथनी को मारा यकीन नहीं होता। गर्भवती हथनी को लोगों ने अनानास खिलाया, लेकिन उस अनानास में पटाखा भरा हुआ था। गर्भवती हथनी को के मुंह में पटाखे फट गए और हथनी का मुंह पूरे तरीके से जल गया, और जलन से राहत पाने के लिए वह तालाब में मुंह और सूंड को डुबोकर खड़ी रही और उसकी मौत हो गई। ये मामला सामने तब आया जब जंगल के अधिकारी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। मोहन कृष्णन केरल में नीलामपुरम के एक जंगल के अधिकारी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में लोगों के साथ साझा किया। वो हथनी गांव में खाने की तलाश में आई थी, लेकिन वो वहां रहने वाले लोगों की शैतानियों से अनजान थी। शायद उसने सोचा होगा कि गर्भवती होने की वजह से लोग उस पर दया करेंगे, सभी पर भरोसा कि जब उसने लोगों का दिया हुआ अनानास खाया और वह उसके मुंह में विस्फोट कर गया, तब उसे यकीन हुआ होगा कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। भयानक तरह से मुंह जलने के बाद हथनी गांव में घूमती रही, क्योंकि वह कुछ खा नहीं पा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हथनी ने कहीं पर भी कोई तोड़ फोड़ नहीं की, जबकि वह ऐसी स्थिति में कर सकती थी। जब हथनी को बचाने रेस्क्यू टीम के मेंबर जंगल के अधिकारी मोहन कृष्णन ने बताया कि जब मैंने उसे देखा तो वह पानी में खड़ी थी, सूंड और मुंह को डुबोए। वो शायद इसलिए डुबोकर खड़ी थी कि उसके घाव पर मक्खियां बैठ रही थी। जंगल के अधिकारियों ने हथनी को बचाने के लिए दो हाथी भी मंगवाए, जिससे हथनी को बांधकर पानी से खींचते हुए बाहर निकाल सके। लेकिन हथनी किसी भी तरीके से बाहर नहीं आई और वहीं पानी में खड़े खड़े मर गई। उस हथनी का अंतिम विदाई के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बारे में कृष्णन ने लिखा कि हर कोई हैरान था, बल्कि आस पास के हथनी भी दुखी थे, उनके आंखों में भी आंसू थे। जिस डॉक्टर ने हथनी का पोस्टमार्टम किया और ये देखकर रो दिया कि हथनी गर्भवती थी, उसको और उसके बच्चे को मार दिया गया। लोगों ने इंसान के इतने हैवान होने पर अफसोस जताई। अब बात करते हैं जानवरों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करने पर कानून क्या कहता है। वन्य जीवन संरक्षण के तहत हथनी के उत्पीड़न पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जानवरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1973 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसमें जंगली जानवरों के शिकार करने और उन्हें अनावश्यक तंग करने और जुर्माने का प्रावधान, साथ ही IPS के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया और जान से मारा तो उसे 2 साल की सज़ा हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हाथी को मारने वाले दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके।